नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। यहां पर हम बात करेंगे चीन में फैल रही एक नई बीमारी के बारे में। दरअसल ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लोगों में देखने को मिल रही है, और जिस तरह कोरोना में हमने स्थिति देखी, वहां से एक शंका लोगों के जहन में पैदा हुई है कि क्या ये कोरोना जैसा कुछ तो यहाँ पर नहीं है। तो चीन में किस तरह के हालात हैं, कैसी वहां पर ये बीमारी है, किस तरह की दिक्कतें लोगों को इससे हो रही हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजीव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप जो हैं डॉक्टर संजीव चौबे, आप कंसल्टेंट हैं शंघाई में, शंघाई के सनटेक हॉस्पिटल में। डॉक्टर संजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप वहाँ पर जमीनी हालात किस तरीके के हैं ये थोड़ा समझाइए लोगों को, क्योंकि खबरें आती हैं छन छन कर, उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं ये थोड़ा जरूर लोगों के मन में रहता है। तो वहां पर क्या दरअसल हो रहा है, किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं? देखिए, शंघाई में केसेस हैं, केसेस आ रहे हैं, हम लोग डेली केसेस मॉनिटर भी कर रहे हैं। नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं फ्लू के, वो रनिंग नोज, फीवर, कफ, कुछ लोगों को शॉर्टनेस मतलब सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। ये शंघाई में ऑलरेडी मोर और लेस सभी हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है। जो न्यूज़ आप लोग बेजिंग या लियाओनिंग जो प्रोविंस है जहाँ से सबसे ज़्यादा एक मिस्टीरियस निमोनिया के नाम से उसको आप लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको आज ही चाइना हेल्थ अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन है। किसी में वायरल स्ट्रेन पाए जा रहे हैं, किसी में बैक्टीरियल स्ट्रेन पाए जा रहे हैं, कुछ पेशेंट्स में माइकोप्लाज्मा निमोनिया को फाइंड आउट किया गया है, जो उनके एनालाइजर टेस्ट किया गया है, और कुछ लोगों में जो है एडिनोवायरस के लिए केसेस देखे गए हैं। क्योंकि एक 3 साल का लॉकडाउन और एक बहुत सारे इकोनॉमिक हलचल हुई है, जिसकी वजह से लोगों में केओटिक सा मचा हुआ है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो क्रमित काफ़ी जल्दी होता है, स्प्रेडिंग रेट इसका फास्ट है, कोविड के रूप कोविड के कंपेयर में 3 times more faster है। तो उसकी वजह से जो लोगों को थोड़ी सी भी अगर शंका भी है तो वो लोग हॉस्पिटल को रश कर रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग भी एक इसका रीजन है। तो लोगों में एक पैनिक हो गया है कि जिस तरह के हालात देखे हैं वो एक जहन में होता है लोगों के। लेकिन थोड़ा आप स्पष्ट भी करते चलिए, क्योंकि जाहिर है दुनिया चीन में जो हालात होती हैं उससे थोड़ा डर भी थोड़ा हो जाता है कि चलिए कोरोना जैसे हालात ना बन जाए। ये कोरोना नहीं है, कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं लोगों में? नहीं, कोरोना नहीं है, कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कोविड नहीं है। और रही बात, WHO ने इस बार बहुत पहले अर्ली स्टेप ले लिया, जबकि पिछली बार WHO चूक गई थी, वो पूछते पूछते मार्च हो गया था, तब तक काफ़ी कुछ वर्ल्ड में पैंडेमिक सा डिक्लेरेशन कर देना पड़ा था 2020 मार्च में। बट इस बार WHO और उसके अलावा प्रोमेट और अदर एजेंसी भी काफ़ी क्लोजली इसको सर्विलेंस में रखी हुई है कि ये किस तरह का, और चाइना, पर्टिकुलरली चाइना जो है इस टाइम कॉपरेट भी कर रहा है, वो अपने टाइम पे टाइम डेटा अपना पब्लिश कर रहा है। और आज का डेटा ही बताया कि करीब अराउंड 7000 के आसपास जो है पर डे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ओवरक्राउडिंग। 7000 पर डे, ये शंघाई का बता रहे हैं आप, चीन का पूरा बता रहे हैं? नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ जी, टोटल इन टोटल। तो 7000 तरह के केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को सांस से जुड़ी हुई दिक्कत हो रही है। माइनर कफ, कोल्ड, रनिंग नोज वाले भी हॉस्पिटल का अप्रोच कर रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट बोल भी रही है कि आपसे प्रिकॉशन जो कोविड जो एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल होता था जो वही करना है, या कोई भी फ्लू में हम लोग जो बोलते हैं कि हैंड हाइजीन, मास्किंग, इसको ही फॉलो करना है, सेम चीज एडवाइजरी में नोटिस कर दिया है सबको और बता भी दिया है। तो सिम्टम वही है, लेकिन लोग पैनिक जा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर ज्यादा अभी ड्राइव बढ़ गया है कि जो लोगों ने छोड़ दिया था वो वैक्सीन की अर्ली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, बिकॉज वो एक हॉरिबल स्ट्रेस जो गया है वो दे डोंट वांट टू रिपीट। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और, क्योंकि इस वायरस को लेकर खबरों में है कि ये नमूनिया है, तो ये क्या सिर्फ नमूनिया के मामले हैं या और अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं जिससे लोगों को कुल मिलाकर सांस लेने में दिक्कतें ज्यादातर हो रही हैं और इस तरह के मामले हैं सारे? देखिए, फ्लू जो है अगर अनट्रीटेबल लॉन्ग टर्म तक रहा तो बेसिकली अगर आपके गले के नीचे उतर गया
डिपेंड करता है कौन से रास्ते पे जाता है, फूड पाइप में चला गया तो वो डायरिया और दूसरे डिसेंट्री के फॉर्म में निकल जाता है, बट अगर वो लंग्स में एंटर कर जाता है जिसके कारण से जाना तो ब्रोंकाइटिस से स्टार्ट होकर निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली ओल्ड एज और आजकल के बच्चों में, खासकर 15 से 14 साल के बच्चों में ज्यादा है। अच्छा, तो ये जो मामले आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं इसको भी थोड़ा समझाइए, ये किस तरह की कंडीशन आप देख रहे हैं इन मरीजों की? बहुत गंभीर हैं, ज्यादा दिक्कत हो रही है, बड़ों में ज्यादा है, छोटों में ज्यादा है, किस तरह के मरीज आ रहे हैं? ज्यादातर हमें अभी चिल्ड्रंस ही देखने को मिल रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें हमने आज भी हम लोग वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई है और उसमें काफी केसेस जो है वो बच्चों के ही है, माइल्ड कफ, रनिंग नोज है, सिंपल कफ है, किसी को ड्राई कफ है, किसी को दो हफ्ते से कफ है। तो नाउ अब उनको लग रहा है जो कि इस न्यूज़ को वो भी फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी कुछ ज़्यादा पैनिक होकर हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं, अदरवाइज पहले उतना केसेस आ नहीं रहे थे। तो इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद जब वो लिफ्ट हुआ तो एक सर्दी का मौसम उसके बाद आया है, तो ये लोग आदि नहीं रहे हैं इसका, इस तरह की दिक्कत इसलिए उनमें देखने को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है क्या इसके रीजन हो सकते हैं? यहाँ के लोग तो ज्यादा अलर्ट है इसलिए ओवरक्राउडिंग हो गई है, क्योंकि 3 साल का लॉकडाउन एक मेजर टाइम होता है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि कोविड का म्यूटेशन हुआ हो या फिर वैक्सीन का रेजिस्टेंस हो गया हो, जो वैक्सीन दी गई है वो काम नहीं कर रही है, या एक पॉसिबिलिटी है कि जो ड्रग एंटीबायोटिक और इतने ज्यादा दिए जा रहे हैं कि उस ड्रग रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी भी है। ये 3 संभावनाएं हो रहा है। दूसरा है कि यहाँ पे जो लाइफ नॉर्मल हुआ है 2022 दिसंबर से, तो वापस फिर से जो है यहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमिकल इनके जो एक्टिविटीज हैं वो चालू हो गए हैं। उसके बाद अचानक से जो क्लाइमेटिक और जो क्लाइमेटिक चेंज और जो इकोसिस्टम चेंज होता है उसमें जेनेटिक म्यूटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये H3N9, H5N9, H7 के फॉर्म में, ये अलग अलग सब वेरिएंट सब टाइप्स के फॉर्म में आपको फ्लू देखने को। तो इसके लिए वहां पर अब क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं क्या? कोरोना जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लग रहे हैं या वैक्सीन दी जा रही है, क्या हो रहा है इसके लिए? वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रमोट कर रहे हैं, बट एज सच कोई एडवाइजरी भी दिया गया है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखें, बट एज सच कोई कोविड जैसा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल या कुछ कोई गाइडेंस हमें अभी तक सीडीसी ने नहीं दिया है। और ये वैक्सीन वही कोविड वाली वैक्सीन लगाई जा रही है दोबारा से इन लोगों में? नहीं, ये फ्लू वैक्सीन, 4 वेरिएंट वाली फ्लू वैक्सीन। तो इसको फ्लू की तरह ट्रीट किया जा रहा है वहां पर? ये थोड़ा क्योंकि लोगों के लिए इसलिए डॉक्टर संजीव के कोरोना के बाद जैसे हालात देखे हैं तो एक जहन में है कि कहीं चीन से बाहर तो इसकी संभावना नहीं है, आपको क्या लगता है कि ऐसी भी संभावना हो सकती है क्या कि 7,000 के करीब तो रोज मामले वहां पर आ ही रहे हैं, तो लोग आते जाते भी हैं, तो कुछ ऐसा बीमारी है, परेशानी है जो चीन से बाहर भी आ सकती है? देखिए, चीन से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि फ्लाइट तो रेगुलर चल रही है, फ्लाइटें तो वर्ल्ड में मतलब डेली फ्लाइट यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रेवल कर ही रही है, लोग सिकनेस जा ही रहे हैं, बट इतना होने के बाद भी कहीं और कंट्री से तो हमें इस तरह का आउटब्रेस्ट देखने को नहीं मिला है, जबकि यहाँ से फ्लाइटें रेगुलर यूएस के जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के जा रही हैं, हांगकांग जा रही है, मलेशिया जा रही हैं, मनीला जा रही हैं, जापान जा रही हैं, लेकिन उधर तो कुछ भी हमें न्यूज सुनने को अभी नहीं मिला, तो हम इसको फ्लू ही मानते चल रहे हैं, कोविड नहीं। और चीन में कहाँ कहाँ पर ज्यादा इसके मामले आ रहे हैं? आप बीजिंग में हैं, बड़े शहरों में दिख रहे हैं, कुछ एक खास इलाके में है या फिर पूरे चीन में ही इस तरह के मामले आप नोट कर रहे हैं? ये चीन के बेसिकली जो आपका ईस्टर्न जो रीजन, जो कोस्टल रीजन है, जो लियोनिंग प्रोविंस है जो बीजिंग से 800 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक कि शंघाई, चिंदाओ और आपके जो है इधर अनवेई प्रोविंस, उधर भी जो है ये केसेस आ रहे हैं, लोग जहाँ 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 इंटरमाइग्रेशन हो रहा है वहाँ डेफिनेटली फैल रहा है। तो ये क्योंकि मैं इसको इसलिए समझा, आप भी समझ रहे होंगे कि लोगों के जहन में जो शंकाएं हैं, मैं चाहता हूं कि वो दूर हो जाएं आपसे बात करके, क्योंकि आप वहां से जमीनी हकीकत जो है
वो बता रहे हैं सीधा, तो ये किस तरह से फैल रहा है डॉक्टर साहब? के इंडिविजुअल है कि आपके आपको किस तरह की कोई दिक्कत है नमूनिया के लिए समझिए जैसे होता है, या फिर ये पास रहने से या सांस नजदीक में अगर आप ले रहे हैं जो कोरोना की वजह से एक स्प्रेड होता था वैसे ही स्प्रेड इसका है कि अगर कोई मान लीजिए किसी को दिक्कत है वो चार लोगों में बैठा है तो उनको भी ये हो जा रहा है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, कोविड का हो चाहे फ्लू का हो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। कोई स्नीज कर दे उसको भी अपने चार फ्रेंड्स के बीच में उसको तीन पॉजिटिव हो सकते हैं फ्लू, एन फ्लू भी। उसके अलावा आरएसवी है, एडिनो वायरस है, और उसके बाद जो है माइकोप्लाज्मा, ये हाईली द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेम जो कोविड के टाइम पे था। तो ऐसा कुछ स्पेशल ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, ये लोगों के बीच में रहकर ही फैलता है, ये अलग कोई अलग से तो फैला नहीं सकता। तो अलग अलग किस्म के ये वायरस हैं जो एक एक तरह की एक जैसे सिम्टम्स लोगों में दे रहे हैं, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ इसको। तो अच्छा, एक और चीज आप समझाइए डॉक्टर साहब कि जो अभी तक कोई डेथ इस वजह से आपने नोट की है या कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन वहां पर किसी की मरीज की जो है वो देखी गई है इन वजहों से? ऐसा कोई डेथ तो उन्होंने अभी तक कोई डिक्लेरेशन में नहीं दिया है। नॉर्मल जिनका कुछ अगर हुआ होगा, जिनको कुछ और बीमारियां रही होंगी और वो इससे संक्रमित होकर कुछ और कॉज से डेथ हुई होगी, तो उसके बारे में मेरे पास डेटा नहीं है। लेकिन फ्लू की वजह से अभी तक तो बच्चों में कोई ये नहीं है, बट हाँ क्योटिक जरूर मचा हुआ है, लोग इसको लेकर ज्यादा ही पैनिक हो रहे हैं। अभी तक कोई फैटलिटी रेट नहीं है ये सारा, क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, आप देख रहे हैं मरीजों को बहुत नजदीक से इस तरह के जो दिक्कतें आ रही हैं उनको, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? डिस्चार्ज होके जा रहे हैं, तो ऐसा हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा ऐसा मतलब नहीं अभी तक हमने देखा। तो वर्स्ट सिम्टम्स नहीं है और तीन से चार दिन में जिनको हो भी रहा है वो ठीक हो जा रहे हैं, तो लोगों को कुल मिलाकर इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना जैसी दिक्कत नहीं है। तीन से चार दिन का इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन रहता है, बाकी हम उनको ओरल टैबलेट पे शिफ्ट करके घर पे भेज देते हैं, बाद में हम उनको फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं अपने ओपीडी में और रिपीट टेस्ट करके सारे चीजों को सारे पैरामीटर्स को देख कर फिर हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं कि हाँ ठीक है आप रह सकते हैं। तो उनको हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना प्रिवेंशन हो सके मास्किंग करके और हैंड हाइजीन का जो प्रोटोकॉल है, जो पुराना प्रोटोकॉल जो कोविड के टाइम पे चल रहा है, वैसा ही सेम फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ के हालात बताने के लिए कि चीन में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि लोगों में एक पैनिक सा हो गया था देख के वहाँ की स्थिति को कि क्या वहाँ पर दरअसल हो रहा है, लोगों में इस तरह की दिक्कतें फिर से जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ बने हुए थे जो बता रहे थे चीन में किस तरह की स्थिति है, ये जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं सांस में ये कोरोना नहीं है लेकिन कोरोना जैसे सिम्टम जरूर यहाँ पर दिख रहे हैं। फिक्र करने की बात अभी तक उनके मुताबिक नहीं है क्योंकि जिन लोगों को हो भी रहा है वो बहुत ज्यादा वक्त उनको नहीं लग रहा है, तीन से चार दिन में वो ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन मामले जरूर आ रहे हैं चीन में जिस पर पूरी दुनिया की नजर जाहिर होगी, WHO की भी इस पर नजर बनी हुई है। तो अब देखिए आप के उम्मीद करते हैं कोरोना जैसी हालात यहाँ पर ना हो और ये सिर्फ एक आम वायरस ही हो जो सर्दी के मौसम में आमतौर पर लोगों को हो जाता है और सब चीजें यहाँ पर ठीक रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस तरह की और जानकारी के लिए आप बने रहिए NDTV के साथ और देखते रहिए NDTV।